गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के जन्मदिन के अवसर पर लगी भीड़, वहीं बधाई देने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे उनके निवास स्थान जहां लोगों का लगा रहता था। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर रविवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके मीनाक्षी नगर मोरसी निवासी पहुंचे और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को 75वें जन्मदिवस की बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री श्री साहू के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे, विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। पहले 2 लाख करोड़ रुपया सीधा खाते में डाला गया है 26 लाख किसान परिवार, 5 लाख से अधिक मजदूर पता और 3.5 लाख ओवर विक्रेता उनके खाते में, 2 लाख स्व सहायता समूह उनके खाते में, 13 लाख तेंदू पत्ता संग्रह के उसके खाते में और 66 लाख से अधिक परिवार हैं जिसको राशन हम लोग दे रहे हैं, मतलब 5,000 करोड़ से अधिक राशि उनको मिला है। 42 लाख परिवार से अधिक परिवारों को बिजली बिल माफ योजना का लाभ मिल रहा है जिसमें 3,800 करोड़ रुपये सरकार ने सब्सिडी दी है। तो ये सरकार है वो आम जनता की सरकार है, सरकार को लड़ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस सरकार से तो बदनाम करने की कोशिश लगातार ईडी वही काम कर रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है, रोज 4 दिन 8 दिन में उनको छापा डालना है। ये स्थिति इनकी है, ये चौर चोरी करने वाले, ये नान में खदान में सब में घोटाला करने वाले, ये उसके बारे में बताओ सीएम मैडम कौन है, उसकी जांच क्यों नहीं होती? और ये रमन सिंह से लेके उसके परिवार, उसके मंत्रिमंडल के लोग, विधानसभा के अध्यक्ष, तत्कालीन उपाध्यक्ष, सब लोग चिट फंड कंपनी कार्यालय का उद्घाटन किए, मेला लगाया था, रोजगार मेला, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए। आज ये है कि चिट फंड कंपनियों के जो 700 डायरेक्टर हैं उज्जैन है, वो जेल के अंदर है और पैसा वापस कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। गरीबों का जो रिटायर हो गए हैं वो पैसा डाल दिए थे, किसानों को जो जमीन बेच दिए थे उसको, पूरे देश में अकेला राज्य है जो चीट फंड कंपनियों के पैसे जो डूबा हुआ है उसको वापस कराने का काम कर रहा है। सराय लोग बताया गृह मंत्री जी का जन्मदिन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।